नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मंच पर पहुंचे ओवैसी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भीड़ देख गदगद नजर आए ओवैसी ने मंच से कहा कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन हुआ है। समाज को भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलाना है तो मोर्चा के प्रत्याशी को वोट देकर जिताए। कार्यक्रम में तय समय पर जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के साथ AIMIM चीफ बाबा हाजी शरीफ दरगाह मैदान पहुंचे। जनसभा को पहले संबोधित करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की रणनीति पर चलते हुए भागीदारी मोर्चा बनाया है। बाबू सिंह कुशवाहा के संबोधन के बाद ओवैसी ने माइक थामा। ओवैसी के आते ही जनसभा में मौजूद भीड़ जोरदार नारे लगाने लगी। अपने संबोधन में ओवैसी ने सपा पर उनकी जनसभा रोकने का आरोप लगाया। भीड़ देख गदगद AIMIM चीफ बोले, या भीड़ बताती है कि इस बार कन्नौज में इंकलाब होगा। उन्होंने कहा कि अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाती है तो अगले CM बाबू सिंह होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। वह धर्म की राजनीति करते हैं और या धर्म निरपेक्ष होकर परिवार की सरकार चलाते हैं। ओवैसी ने अपने भाषण में कई बार बाबा हाजी शरीफ की दरगाह पर जनसभा होने का जिक्र किया, लेकिन उनकी दरगाह में न जाने से वहां मौजूद अकीदतमंदों में निराशा रही। बाबा की दरगाह पर आए अकीदतमंदों में असदुद्दीन ओवैसी के न आने से आक्रोश भी नजर आया। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। आगे बढ़ना है, अगर हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति हमारे देश में हो, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, पढ़ाई एक तरह की एक हिसाब से जगह होना चाहिए। नहीं तो बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है और जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, और जब वो कंपटीशन में बैठता है पढ़ने के बाद, तो उसके अंदर ये हीन भावना होती है कि मैंने CBSE और ICSE नहीं पढ़ी है। इसलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री मिले, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, और जब पैदावार हो फसल की तो उसकी कीमत उसे सही मिले। कन्नौज के आसपास इलाके में बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जाती है। हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आलू की जब बुराई होती है तो बीज आपका 60 रुपया 80 रुपया किलो लाते हैं, और जब आप फसल पैदा करते हैं तो आपकी बिक्री होती है 10 रुपया 12 रुपया 15। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश आई है और ओवैसी आपके दरमियान भी आया है, तो मैं यहाँ पर सियासत या राजनीति के जरिए तिजारत या दौलत कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो अल्लाह के फजल व करम से आया हूँ। मैं यहाँ पर आता रहूंगा तो आने का मकसद यही है और यही रहेगा कि आपको नेता बनाया जाए, आपको अपना हिस्सा मिले। सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी की जब बात ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा करते हैं तो हमारा मानना यह है कि राजनीति में भी हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, शिक्षा में भी मिलना चाहिए, नौकरियों में भी मिलना चाहिए और ठेकेदारी में भी मिलना चाहिए। मगर BJP और सपा के लोग, अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज, उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाएं, अपने पीठ पर लाठियां खाएं और अकेले से आकर मिले। ये अपना होने वाला है। BJP की सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये चीजें मार मार कर कहती है, मगर BJP के चीफ मिनिस्टर बाबा ने सिर्फ अपने ही समाज का साथ दिया, उत्तर प्रदेश के किसी और का साथ नहीं दिया। वैसे ही जब समाजवादी सरकार की समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवाद के
हम पर अखिलेश अपने परिवार बात को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए आज आज के दरमियान विकल्प है और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मुझे बताया गया कि हमारी जनसभा के लिए जब मालूम हुआ समाजवादी पार्टी के लोगों को कि ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा आ रहे हैं, तो उन्होंने उन दो मुकाम पर हमको वहाँ पर जगह नहीं दी जनसभा करने के लिए। मगर अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि हमको जगह कहाँ मिली, एक वली के आस्थाने पर हमको जगह कहाँ पर मिली, एक दरगाह शरीफ के सामने हमको जगह मिली और हजरत हाजी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह और उनकी दरगाह के सामने इस दीवाने को तो मैं समाजवादी पार्टी के कमजोरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।